सीएम योगी के बाद नितिन गडकरी ने भी सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवा दें। कानपुर से लखनऊ एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, इसके भी कार्य का शुभारंभ हुआ है। मैं कानपुर और लखनऊ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस केवल आधा घंटे का होगा, आधे घंटे में आप आ सकोगे। योगी जी की कार्यभूमि गोरखपुर है, तो गोरखपुर से सिलगुड़ी तक पश्चिम बंगाल के एक ग्रीन फील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलगुड़ी तक जाएगा। 519 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे और जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए होगी, उसका कार्य 6 महीने के अंदर उसकी शुरुआत होगी, ये वचन मैं आपको देता हूं। इस देश के विकास के लिए 4 बातें बहुत जरूरी है। अगर उद्योग और खेती का विकास करना है तो हमें 4 बातें आवश्यक है, उसके सिवा किसी भी राज्य प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सकता। वो 4 बातें हैं पानी, बिजली, यातायात यानी रोड की व्यवस्था और टेली कम्युनिकेशन की व्यवस्था। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवाय किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहां इसके बारे में काफी गंभीर समस्याएं थी। वहीं राजा भैया की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अपनी सूची जारी कर दी है। राजा भैया कुंडा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान विधायक विनोद सरोज बाबागंज से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को सेवा संकल्प पत्र नाम दिया गया है। पार्टी के संकल्प पत्र में कुल 22 मुद्दे हैं। तो आपको बता दें 11 उम्मीदवारों की पहली सूची राजा भैया ने जारी कर दी है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अपनी सूची जारी की है। राजा भैया कुंडा से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वर्तमान विधायक विनोद सरोज बाबागंज से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और पूर्व सांसद शैलेंद्र सरोज का कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर कुछ दलों से बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन जो भी अंतिम फैसला होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ही करेंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी इस बार जोर आजमाइश में जुटी है और आज 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं जो पूर्व सांसद भी रहे और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। शैलेंद्र जी, आज तो 11 नाम घोषित कर दिए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी PC के माध्यम से पहले भी घोषणा कर चुके हैं 100 से ज़्यादा सीटों पर। चर्चा है कि जल्दी आप लोग गठबंधन कर सकते हैं, BJP के साथ जा सकती है जनसत्ता लोकतांत्रिक दल जो है आपका, ऐसा है क्या कुछ, कहीं बातचीत चल रही क्या अंदर खाने में? चूंकि हमारा दल है तो हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जहां तक गठबंधन की बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ा गया है। तो ये आपने सुना, शैलेंद्र सरोज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, अलग अलग दलों के साथ बातचीत चल रही है। फिलहाल आज 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, आगे क्या होगा ये तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी राजा भैया हैं वो तय करेंगे, पर हाँ जरूर कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि चुनाव से पहले शायद किसी दल के साथ गठबंधन भी उनकी पार्टी करेगी। हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ।